अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो मूवी को बहुत ज़्यादा सराहना मिली है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अगर इंडियन ऑडियंस और इंडियन जो पब्लिक व्यूअर्स हैं वो भी मूवी को उसी तरीके से सराहेंगे जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तितली का नाम हुआ? बिल्कुल, तितली को, बिकॉज तितली, देखिए तितली जो फिल्म है वो फैमिली के बारे में, एंड फैमिली इज यूनिवर्सल, चाहे वो इंडिया हो, फ्रांस हो, रशिया हो, चाइना हो, फैमिली हर जगह सेम है, वो रिलेशनशिप्स हर जगह सेम है। बस जो तितली का सब्जेक्ट है कि किस तरह जो हमारी सोसाइटी की दूसरी डिस्पैरिटीज़ हैं, जो डिफरेंसेस हैं हमारे सोसाइटी में, जो आइडियलिज्म हम जो सीखते हैं लेकिन रियलिटी उससे कितनी अलग है, जब ये दो चीज़ें क्लैश करती हैं तो वो किस तरह से जो फैमिली का जो इंस्टीट्यूशन है उस पर क्या रिजल्ट्स होते हैं, क्या हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, क्या हम उनको कारपेट के नीचे घुसा देते हैं। जैसे एक चीज़ जो तितली ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था वो था जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो सब्जेक्ट है, कि हम लोग जब बच्चे पालते हैं तो हम पीट देते हैं, किस चीज़ के नाम पे, कि हम बच्चे को सिखा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, डिसिप्लिन कर रहे हैं। सो अनफॉर्चुनेटली हमको दूसरी जो सोसाइटीज़ हैं वो तो इससे आगे निकल चुकी हैं, कॉर्पोरल पनिशमेंट या मारपीट पिटाई नहीं अब अलाउड होती कहीं पे भी, आप बाहर के मुल्कों में देखें तो वेस्ट में वगैरह, यू नो, जो मोर इवॉल्व सोसाइटीज़ हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो उसकी बात ही नहीं होती। अगर बच्चे पिटते हैं तो बोलते क्या हो गया, मैं तेरे मैंने चार लगा दी तो क्या हो गया। बट पॉइंट है कि हमको ये देखना है कि ये जो मेथड है ऑफ डिसिप्लिनिंग, क्या ये सही है, क्या इसमें प्रॉब्लम्स ये नहीं है कि हम ये एहसास आदमी को कभी ना रहे गुस्से में कितना करना है कितना नहीं करना है, चाहे आप पेरेंट हैं चाहे आप टीचर हैं, कितनी मार बच्चे के लिए ज़रूरी थी और कितनी आपने उस वक्त गुस्से में कर दी। सो ये जो एक चीज़ थी तितली के बारे में जो मुझे जिसने आकर्षित किया था, बिकॉज थोड़ा मेरा पर्सनल से रिलेशनशिप है रहा है, मैंने देखा है कैसे ये वायलेंस फैमिली जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो जाती है। इस पे एक दो अंग्रेज़ी फिल्में भी इस सब्जेक्ट पे बनी है अच्छी, बट हमारे यहाँ तो बात ही नहीं होती। हमारे यहाँ तो अगर कहने लगो कि बोल दिया अगर कि अरे बच्चे को ना मारी, अरे मेरा बच्चा है तेरे को क्या है, हाँ यहाँ फिर इतना मत मारिए, अरे ये सुनेगा नहीं, ठीक नहीं होता ये, पर क्या वो मार से ठीक हो जाएगा? मैं मानता हूँ कि नहीं, बहुत दूसरे तरीके हैं बच्चों को ठीक करने के, उनको सिखाने के, जो जिसमें एज एन एडल्ट ओनस आप पे है, आपको सिखाना है एज टीचर एज पेरेंट, अगर आपको सिखाना है आपको और मेहनत करनी चाहिए, आपको और कंट्रोल दिखाना चाहिए कि मैं किस तरीके से बच्चे को सिखाऊं जहां इसको ना सिर्फ वो बात सीखे समझे बट कि स्कार ना हो, ये ना उसको लगे कि यार ये तो ऐसा प्यार नहीं समझ में आया जहां पे हड्डियां टूट रही हैं।